सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। न्यूजीलैंड के हाथों क्लीन स्वीप होने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली का आया बड़ा बयान। कोहली ने जो कहा वो आपको भी जानना चाहिए। जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला को न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीतकर भारत को क्लीन स्वीप कर दिया है। हम आपको बता दें कि भारतीय टीम 31 साल बाद क्लीन स्वीप हुई है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था और भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर्स में 296 रन बनाए। भारत की ओर से केएल राहुल ने सर्वाधिक 112 रन बनाए। 297 रनों के जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 47.1 ओवर में इस लक्ष्य को पा लिया और न्यूजीलैंड 5 विकेट से जीत गई। अब क्लीन स्वीप होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में विराट कोहली ने कहा कि ये एक अच्छा टोटल था, परंतु हमारी गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों ही साधारण रही। हमने मैच में मौकों को नहीं भुनाया और न्यूजीलैंड इस सीरीज के जीत की हकदार थी। 3-0 से एक दिवसीय सीरीज हारने के बाद हमें टेस्ट सीरीज का इंतजार रहेगा। विराट कोहली ने आगे कहा, युवा बल्लेबाजों ने जिस तरह से टफ सिचुएशन में आकर बल्लेबाजी की है, ये भारतीय टीम के लिए एक अच्छा साइन है। वैसे हम आपको बताते चलें, इस एक दिवसीय सीरीज में रोहित शर्मा का नाम था, परंतु वो चोटिल होने के बाद सीरीज से बाहर हो गए थे। रोहित शर्मा इस सीरीज में खेलते तो रिजल्ट कुछ और होता। अब आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या टीम इंडिया को सच में रोहित शर्मा की कमी खली। और हाँ, दी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।